Assalamualaikum and welcome to my channel. आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा बैंगन का रायता शेयर करूंगी, जो बनाने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो क्विक सी रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बैंगन को लेकर इस तरह से स्लाइस में काट लेना है। अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है हल्दी। 1 टेबल स्पून हल्दी लेंगे, 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे चाट मसाला, साथ ही हम इसमें लेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। और इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस हम इसमें पेस्ट बनाने के लिए ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस से इसका थिक सा पेस्ट बन जाएगा। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें इस तरह से ये पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इस पेस्ट को बैंगन के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से हमने इसको अप्लाई कर लेना है। ये देखें हमने मसाला इस पर अच्छे से लगा दिया है। अब पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। हमने इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब हमने दही ली है, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला। ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और दही को हमने अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखिए दही भी बिल्कुल रेडी है। अब एक बॉल में हम बैंगन जो हमने फ्राई किए थे वो सारे हम इस तरह से सेट करके लगा देंगे और ऊपर से हम ये दही ऐड कर देंगे। इसी तरह अब हम इसकी सेकंड लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। उसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल, सफ़ेद जीरा, हरी मिर्च ऐड करेंगे, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। ये सब डालने के बाद हम इसको एक मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में हमने हल्दी ऐड करनी है और ये तड़का बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसको दही में डाल देंगे। ये देखें हमने इसको तड़का लगा दिया है। होप आपको बैंगन के रायते की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।